आई एम नीरेन कुमार वर्मा, एसएससी रेलवे बेसिक टीचर की प्रिपरेशन की तैयारी के लिए जीके में आप लोगों को आज बताऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें से जरूर आएगा 4-6 क्वेश्चन। मित्रों इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। देखिए क्रांति के बारे में, पहले हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित थी, सफ़ेद क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, स्वर्णिम क्रांति फल उद्योग के विकास से संबंधित, कृष्ण क्रांति तेल खनिज तेलों से संबंधित। भारत में हरित क्रांति कब आरंभ हुई? 1966 से 67 ईस्वी में। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा गेहूं को फायदा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, पीसीएस में भी आया हुआ है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है एमएस स्वामीनाथन। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक है अंतर्राष्ट्रीय और एक है भारत में हरित क्रांति के एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग ने किस देश में अनुसंधान किए? मैक्सिको से। डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग मूलतः किस देश के निवासी थे? यूएसए के थे। भारत में श्वेत क्रांति में सर्वाधिक योगदान वर्गीज कुरियन का था। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा गेहूं का। हरित क्रांति में उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान रहा चावल का। भारत में रेल प्रथम रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। इस रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है मित्रों ये। प्रथम रेल किन स्टेशनों के बीच चली? मुंबई से थाड़े।